तो हम इस वक्त काशी में गंगा के दूसरे छोर पर मौजूद हैं। आप देखिए सामने आपको घाट दिखाई दे रहे होंगे और ये गंगा के दूसरे छोर का इलाका है, रेत वाला इलाका, और इसके विकास की तैयारी है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर चारों ओर टेंट सिटी बसाई जानी है और इसके साथ ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये पैराग्लाइडिंग की मशीन यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ आने वाले पर्यटकों को गंगा इस पार आकर किस तरह का अनुभव हो रहा है, नाम जानेंगे। कृति पांडे। कृति, क्या क्या देखा? सर बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डेवलप्ड हो रहा है और उस पर बैठने पे बहुत अच्छा मतलब मिल रहा है और फ्लाई करने का कुछ अलग ही अनुभव है उसका। हाँ, आमतौर पे जो पर्यटक है वो अन्य शहरों में जाना पसंद करता था, लेकिन धार्मिक पर्यटन के लिए काशी जानी जाती थी, अब गंगा उस पार भी एक अलग एहसास, क्या लगा? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा है, अच्छा काशी बहुत अच्छा है, घूमने लायक भी बहुत अच्छा है। तो आप देखिए कुछ लोग यहाँ पे तस्वीरें भी उतार रहे हैं, आप बहुत देर से मोबाइल भी चला रहे हैं, क्या देखा और कैसा लगा? पहले से ज़्यादा काशी मतलब डेवलप कर रहा है, इस चीज़ की हमें खुशी है कि हमारा बनारस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और जैसे कि देख रहे हैं आप बहुत नए नए मतलब इंजॉय करने का सामान यहाँ अवेलेबल हो रहा है पहले के मुकाबले। तो हम सभी को सजेस्ट करेंगे एक बार काशी आएँ और एक बार इंजॉय करें वो। आप लोग गंगा के इस पार आए, रेत पर आए, तो क्या क्या यहाँ अलग क्या देखा? और जिस तरह से टेंट सिटी का प्लान चल रहा है तो पर्यटकों को कैसा अनुभव? पर्यटकों का बहुत अच्छा अनुभव होगा उससे और आने वाले समय में जैसा हम लोग सुन रहे हैं, ठीक है, कि और ज़्यादा डेवलपमेंट इसको लेके चल रहा है घाट को लेके बीजेपी की सरकार में, ठीक है, तो हम एक बार जरूर सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग आइए। रिक्वेस्ट तो जो पर्यटक हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये मशीन और इसकी खासियत जो यहाँ के लोग हैं इनसे जानेंगे, इस मशीन पर हम भी सवारी करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस मशीन की खासियत क्या है? इस मशीन की खासियत है कि ये जैसे हम लोग विमान में, एयरक्राफ्ट में या कहीं भी हम ट्रैवल करते हैं तो क्या वो पूरा क्लोज्ड होता है और ये ओपन है, आदमी रियल लाइफ का जो एडवेंचर है और सीन है वो देख सकता है इससे, और एक अच्छा, अब इससे बेटर एडवेंचर पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं है। कितने पैसे में आप लोग इसको, जो यहाँ पे आ रहे हैं पर्यटक उनको कितना उपलब्ध? ये 2500 रुपये पर पर्सन, 2500 रुपये पर हेड। जब बनारस के लिए तो अलग चीज़ है, अभी तक शायद मैंने पूरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के कहीं ऐसी जगह जो यहाँ पर किया है आप लोगों ने? नहीं, बनारस के अलावा पूरे पूर्वांचल में, पूरे यूपी में ये सुविधा कहीं नहीं है। बनारस लेकर जी पर्यटन का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? पर्यटन का रिस्पांस यहाँ पे अच्छा आ रहा है, लोग यहाँ पे बहुत एक्साइटेड हैं, उत्सुक हैं और काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है हम लोग को यहाँ। तो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है और उम्मीद है कि आगे ये पर्यटन को और भी निखारेगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।